हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल आई एम अपना नहीं हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आज से अपने अपनेशिप को आज से हम लोग को स्टार्ट करने वाले आपके जितने भी चैप्टर वाइज है पहले हम लोग चैप्टर वाइज एमसी को कंप्लीट करेंगे देन हम इसके भी मॉक करने वाले हैं गुड आफ्टरनून अमन स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को जितने भी स्टूडेंट्स हैं बच्चा फर्स्ट टाइम क्लास को अगर आप लोग ज्वाइन कर रहे हो तो मैं आपको बता दू हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट होने वाला दैट इज रोशन बैच रोशन बैच हम लोग टेंथ ऑफ मार्च से स्टार्ट करने वाले हैं उसके अंदर आपकी सारी क्लासेज होंगी

नेक्स्ट आज के क्लासेस का टाइम टेबल है दस बजे इंग्लिश की क्लास हो चुकी है तो अगर जिन्होंने नहीं देखा ना रिकॉर्डेड सेशन देख लेना हिंदी एंड इकोनॉमिक्स की क्लास हमारी ग्यारह बजे हुई है एक बजे एंटरप्रीनोरशिप आज से स्टार्ट हो रही है एंड बायो की सेम टाइम पे चल रही है तीन बजे अकाउंटेंसी की क्लास है किरण मैम आपको करवाती है वो जरूर करना देन 7 पी आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी मोहित से करवाता है आपका जीडी का पोर्शन है उसको देन 8 पी जनरल टेस्ट मॉक पेपर वो आपको गोकुल से करवाने वाला है एंड लास्टली 9 पी आपकी करंट अफेयर्स चलती है जो मैम लेने वाली है ये सारी की सारी क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है तो आप लोग सारी क्लासेस को जरूर अटेंड करना राइट गुड आफ्टरनून राधे सुष्मिता हेम्स स्वाति हेलो बच्चा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को विद आर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर कैसे करना है पहले क्वेश्चन नंबर लिखना है देन आपको क्वेश्चन का आंसर करना है ओके स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज इट इज एन इकोनॉमिक आइडिया विच कैन बी इंप्लीमेंटेड टू क्रिएट एन एंटरप्राइज एंड अर्न प्रॉफिट आपको बताना है ये वो इकोनॉमिक आइडिया होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं इंप्लीमेंट करते हैं एक नई एंटरप्राइज को क्रिएट करने के लिए ताकि हम उस एंटरप्राइज से प्रॉफिट्स को अर्न कर सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रिसीविंग अपॉर्चुनिटी सेंसिंग अपॉर्चुनिटी बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग किसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक आइडिया इकोनॉमिक आइडिया का मतलब क्या होता है जिससे बाद में हमें पैसा मिल सके बाद में हम लोग उस आइडिया से प्रॉफिट अर्न कर सके उसको क्या बोलते हैं हम लोग प्रिसीविंग अपॉर्चुनिटी सेंसिंग अपॉर्चुनिटी बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर एनवायरमेंटल स्कैनिंग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे वेरी गुड सुष्मिता राधे स्वाति राइट वेरी गुड उसको हम लोग क्या बोलते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोलते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होती है इकोनॉमिक आइडिया होता है आइडिया तो इंसान को बहुत सारे आते हैं चलते फिरते बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं बट जिस आइडिया से आप पैसा कमा सकते हो उसको हम इकोनॉमिक आइडिया बोलते हैं और उसी को हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोलते हैं जिसको हम अल्टीमेटली आइडिया को किस में कन्वर्ट करेंगे एंटरप्राइज में कन्वर्ट करेंगे और देन एंटरप्राइज से हम लोग क्या कमाने वाले हैं प्रॉफिट कमाने वाले हैं राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू का आंसर करेंगे द रशियन इन्वेजन ऑन यूक्रेन हैज ऑयल प्राइसेस टू राइज इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टल मॉडल दी <coughs> अब आपको बताना है रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर अटैक किया इन्वेड किया उसको तो उससे क्या हुआ ऑयल की जो प्राइसेस है वो पूरे वर्ल्ड में राइज हो गई इंडिया में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑयल की प्राइसेस राइज हुई है तो आपको बताना है ये किस पेस्टल मॉडल जो है हमारे पास उसमें से किस इन्वायरमेंट का पार्ट है पॉलिटिकल इकोनॉमिक इकोलॉजिकल या फिर लीगल जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो क्या हो गई बढ़ गई जल्दी से क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट आंसर बताएंगे रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया बट उससे हुआ क्या अल्टीमेटली जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो बढ़ गई ऑल ओवर दी वर्ल्ड तो ये कौन से वाला इन्वायरमेंट का पार्ट आएगी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल या फिर लीगल वेरी गुड राइट राधे आमन हेम सुष्मिता स्वाति सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है इकोनॉमिक एनवायरमेंट का पार्ट होगा क्यों क्योंकि यहां पे बात किससे रिलेटेड कर रहा है पैसे से रिलेटेड कर, कर रहा है कि ऑयल की प्राइसेस क्या हो गई बढ़ गई राइट वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर करेंगे आइडेंटिफाई विच ऑफ दॉट अ सोर्स ऑफ द एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया आपको बताना है इनमें से कौन से वाली चीजें जो हमें बेसिक आइडिया को परसीव करने में या फिर प्रिजर्व करने में हेल्प नहीं करती है प्रॉब्लम से हमें आइडिया मिलता है चेंजेस से आइडिया मिलता है इनोवेशन से आइडिया मिलता है विजन से आइडिया मिलता है किससे नहीं मिलता है नॉट बताना है कौन से वाला सोर्स ऑफ आइडिया नहीं है यहाँ पर जो हमें परसीव करने में प्रिजर्व करने में आइडिया को हेल्प करता है हेलो दीप गुड आफ्टरनून चलो क्वेश्चन हमें थर्ड का आंसर करेंगे जल्दी से कौन से वाला नहीं करता है ठीक है थर्ड का करेक्ट आंसर क्या है एक दूसरे को देख कर मत करना अपने अपने आंसर्स करना मैम जो एम है बिजनेस स्टडीज के एंड अपनेशिप से रिलेटेड है बच्चा ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही एंड अपनेशिप है तो इसमें जो भी चीज़ें आपके जो आपका एंड अपनाल अपॉर्चुनिटी है ना डेवलपमेंट उसका पार्ट है कहीं ना कहीं इसमें से जो भी है सिलेबस वो आपके, आपके सब्जेक्ट का आपके चैप्टर का पार्ट है तो आपको पढ़ना चाहिए ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट आंसर क्या है ओके okay, ना तो इसका करेक्ट आंसर बी है और ना ही डी है ठीक है बी और डी नहीं है इसका करेक्ट आंसर क्या है विजन बच्चा विजन नहीं होता है इसके अलावा देखो हमारे पास कौन कौन सी चीजें होती हैं अगर प्रॉब्लम्स आती हैं कहीं पर भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो एक आइडिया लेकर आती है क्योंकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही क्या होता है आइडिया आएगी जब तक प्रॉब्लम्स नहीं होगी तब तक हम नया आइडिया नहीं लेकर आएंगे राइट फॉर एग्जांपल पहले हम लोग क्या यूज करते थे टाइपराइटर यूज करते थे टाइप में बहुत सारी मिस्टेक होती थी ना एक बार में छप जाता था तो गलत लिख दिया तो हम उसको करेक्ट नहीं कर सकते राइट right? तो बिकॉज वो प्रॉब्लम हो रही थी तो उसके बाद एक माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर आया जिसमें हम ईजिली टाइप कर सकते हैं कट कर सकते हैं पेश कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं राइट तो जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आती ना तब तक उसका सोल्यूशन नहीं आएगा तो प्रॉब्लम्स की वजह से आइडिया आता है इनोवेंशन आइडिया लेकर आता है इनोवेशन आइडिया लेकर आता है कुछ भी चेंज हो रहा है कुछ भी कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रही है चाहे वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है चाहे लीगल है चाहे सोशल है चाहे टेस्ट एंड प्रेफरेंस है किसी में भी चेंजेस आ रहे हैं तो अगेन आइडिया आएगा, आएगा आपके लिए एंड कॉम्पिटिशन कट टू कट कॉम्पिटिशन चल रहा है मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स का तो उससे भी आप कैसे अपने से आगे कैसे बढ़ोगे वहां से भी आपको क्या आएगा आइडिया आएगा कौन सी वाली चीज नहीं आएगी विजन से आपको आइडिया नहीं आएगा राइट गुड गुड आफ्टरनून तनवी ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर करेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर करेंगे वेन द मारुति कंपनी वॉज प्लानिंग टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद सुजुकी कंपनी ऑफ़ जापानन द गॉडलास नैरोक कंपनी वॉज द फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दैट देर वुड बी अवज डिमांड फॉर कार पेंटिंग इन इंडिया मारुति कंपनी क्या करी थी सुजुकी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का जब सोच रही थी कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे देन उस टाइम पे जो इंडिया की नेरोलैक कंपनी है गॉडलास नैरोक कंपनी उनको ये उन्होंने स्कैन किया कि हमारे लिए भी इसमें अपॉर्चुनिटी है क्या अपॉर्चुनिटी है कि भाई पेंटिंग की कार की पेंटिंग की अपॉर्चुनिटी हमारे लिए आएगी सिंस नो पेंट कंपनी हैड कार पेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया क्योंकि उस टाइम पे किसी भी कंपनी के पास कार पेंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी इंडिया के अंदर सो नैरोलैक कंपनी मेड यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड साइन अ कंट्रैक्ट विद कंसाई पेंट कंपनी टू इम्पोर्ट कार पेंटिंग टेक्नोलॉजी टूडे नाइनटी ऑफ कार पेंटिंग वर्क ऑफ मारुति इज डन बाई गॉडलास्ट नैरोलैक कंपनी आइडेंटिफाई विच इंपॉर्टेंट

राइट गुड इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज राइट मैम क्वेश्चन सीबीएसई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बोर्ड में आई थी ओके दीप गुड गुड राइट हां जी बिजनेस एनवायरमेंट से रिलेटेड है राइट फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला उनको हमें पैराग्राफ uh, पढ़ने से केस स्टडी पढ़ने से पता चल गया उन्होंने क्या किया फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फायदा उठाया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर करेंगे अब ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर बताएंगे राहुल वाज मैन्युफैक्चरिंग डिस्पोजेबल अटेंसिल्स एंड वॉज ऑलवेज ऑन दुक आउट टू इम्प्रूव हिज प्रोडक्ट्स ही यूज सोशल मीडिया An online surveys to understand the latest trends in customer needs and overall trends in the industry. Through the survey, he understood that the customer preferred eco-friendly disposables like biodegradable, compostable, and degradable products. Looking at the customer needs, he developed disposable that were eco-friendly. It was highly priced because he knew customers would be ready to pay the price for the quality. His business became an instant. He

कस्टमर फ्रेंडली डिस्पोजल उसको बनाने चाहिए उसने क्या क्या यूज किया सोशल मीडिया का और ऑनलाइन सर्वे यूज किया तो सोशल मीडिया और ऑनलाइन सर्वे आपको बताना है किस ट्रेंड में आता है वॉच ट्रेंड टॉक ट्रेंड रीड ट्रेंड या फिर थिंक ट्रेंड किस में आता है राम राम सुधांशु नहीं बच्चा आज बी नहीं है बी हम लोग कुछ टाइम के बाद दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे ठीक है If आप लोगों को अभी और कुछ आप लोग पढ़ सकते हो तीन बजे अकाउंटेंसी क्लास है तीन बजे अकाउंटेंसी क्लास पढ़ लेना ठीक है इसका आंसर बताओ कौन से वाले ट्रेंड का बता रहे हैं पे कौन से वाले ट्रेंड यूज कर रहे है? किया है उसने वॉच ट्रेंड टॉक ट्रेंड रीड ट्रेंड या फिर थिंक ट्रेंड कौन सा वाला किया है? सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन सर्वेस को देखकर ओके okay, ना तो ये सी है ना वॉच ट्रेंड है ना रीड ट्रेंड है देखो जो आ, हमारे सोशल मीडिया सर्वे होता है ना वो किस में आता है हमारे टॉक ट्रेंड में आता है किस में आता है टॉक ट्रेंड में आता है जो सोशल मीडिया हो गया या फिर हमारा ऑनलाइन सर्वेज हो गया ना वो टॉक ट्रेंड का पार्ट है ठीक है ध्यान रखना टॉक ट्रेंड का पार्ट है वॉच ट्रेंड का नहीं है वॉच ट्रेंड में क्या आएंगे आपके ट्रेड शोज़ हो गए इस टाइप के वॉच ट्रेंड में आएंगे री ट्रेंड जिसमें आप लोग चीजों को पढ़ोगे लाइक आर्टिकल्स पढ़ रहे हो बुक्स पढ़ रहे हो वो री ट्रेंड में आएंगे एंड थिंक ट्रेंड जब ये सारे के सारे ट्रेंड्स को मिलाकर आप सोचना शुरू करते हो वो थिंक ट्रेंड में आएगा राइट गुड बीएसटी में इससे कुछ आएगा क्या मैम बच्चा बेसिक्स जो है वो आपको बी के अंदर है बी से इलाबोरेट करके आपका एंटरप्रीनोरशिप पूरा पूरा सब्जेक्ट बनाया हुआ है तो ये आपके ऊपर है आप पढ़ना चाहते हो या फिर नहीं पढ़ना चाहते ठीक है ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है चलो इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल गया ना क्या करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी राइट गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर करेंगे आप After passing from the College of Vocational Arts, Delhi University, with a graduate degree in tourism honors, Ronald wanted to start his own business in tourism at his hometown in Meghalaya, Shillong. Identify the source of idea field for Ronald. यहाँ पे आपको बताना idea field कौन से वाला Ronald ने use किया है, ठीक है? उसने Delhi University से pass out किया है with a graduate degree in tourism. Then उन्होंने क्या किया उसने सोचा कि मैं अपने hometown Meghalaya, Shillong शिलोंग में ही क्या करूंगा एक बिजनेस स्टार्ट किस चीज का टूरिज्म का बिजनेस स्टार्ट तो आप बताओ उसका जो सोर्स ऑफ आइडिया फील्ड है वो कौन सा है ट्रेडिंग रिलेटेड वट एपन हां जी कोई बात नहीं बच्चा जिनका जो नहीं आ रहा ना कोई बात नहीं इट्स ओके एंटरप्रीनोरशिप इलाबोरेट करके यहाँ पर है एंटरप्रीनोरशिप बुक के अंदर ठीक है जी 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 आप लोग जो बिजनेस स्टडीज के बच्चा आप बिजनेस देखो देन दोबारा से जब स्टार्ट करेंगे ना उसके मॉक फिर आप लोग क्लासेस को अटेंड कर लेना ठीक है इसका करेक्ट आंसर बताएंगे वेरी गुड डीपल अंकित स्वाति एंड सौरभ राइट सर्विस रिलेटेड आइडियाज है कौन सा है सर्विस सेक्टर रिलेटेड आइडियाज है क्यों क्योंकि उसमें वो सर्विस दे रहा है टूरिज्म किसका पार्ट है हमारे सर्विस सेक्टर का पार्ट है वेरी गुड ए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर करेंगे अब आइडेंटिफाई द मिसिंग वन इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी के प्रोसेस में आपको बताना है इनमें से कौन सी वाली चीज मिसिंग uh, है आइडिया आइडिया जर्मिनेशन देन प्रिपरेशन इनक्यूबेशन डैश देन वेरिफिकेशन आपको बताना है इनक्यूबेशन के बाद और वेरिफिकेशन से पहले कौन सी वाली चीज आती है इनोवेशन इन्वेंशन इल्यूमिनेशन या फिर नॉन ऑफ दी अब क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर करेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर करेंगे मैम आप वापस बिजनेस पे कब आओगे uh, बच्चा पहले एंटरप्रनरशिप करवाएंगे इसके चैप्टर आई थिंक सिक्स चैप्टर्स हैं वो सिक्स चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे देन हम लोग मॉक करेंगे उसके बाद अगेन बिजनेस स्टडीज हम लोग स्टार्ट कर लेंगे अगर आप लोग चाहते हो बिजनेस स्टडीज स्टार्ट करना तो uh, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि बिजनेस स्टडीज स्टार्ट करनी है तो हम लोग दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे उसको ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर बताएंगे आइडिया जर्मिनेशन प्रिपरेशन इनक्यूबेशन इनक्यूबेशन के बाद क्या आएगा जल्दी से बताएंगे इनोवेशन इन्वेंशन इल्यूमिनेशन या फिर नॉन ऑफ दीज नो बचा इट्स नॉट ए इनोवेशन नहीं आएगा क्या आएगा इसमें इल्यूमिनेशन आएगा क्या आएगा इल्यूमिनेशन ठीक है ये पूरा का पूरा क्रिएटिव प्रोसेस है सबसे पहले आइडिया जर्मिनेट करता है देन उसको प्रिपेयर किया जाता है इनक्यूबेशन की स्टेज है देन इल्यूमिनेशन की एंड फाइनली वेरिफिकेशन की स्टेज है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट का आंसर करेंगे अब टू थिंग्स टू बी कैप्टन माइंड वाइज सेलेक्टिंग एन अपॉर्चुनिटी दो चीज़ें जो हमें अपने लाइक uh, like, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है किसी भी अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करने से पहले एन्श्योरिंग अ गुड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट एन्श्योर सुटेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनश्योर सुटेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर बोथ ए एंड बी क्वेश्चन नंबर एट्थ का आंसर करेंगे हाँ जी सुधांशु इट्स ओके आप बी ही पढ़ना बच्चा ठीक है बिजनेस स्टडीज ही पढ़ना मैम बोझ तक इंटरप्रशिप करवाओ और बोझ के बाद वापस से बिजनेस स्टडीज ठीक है ओके अंकित ओके ठीक है क्वेश्चन नंबर एट का करेक्ट आंसर करेंगे अभी राइट right. कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वेरी गुड दीपल गुड मार्केट सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि हमारे प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट अवेलेबल है या नहीं यानी कि हमने गुड्स तो बना दी बट अगर कोई सामने वाला खरीदने वाला ही नहीं है तो उसका हम क्या करेंगे तो पहली चीज हमें मार्केट देखना है और दूसरा कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट है यानी कि जितना पैसा हम लगा रहे हैं अपने बिजनेस के ऊपर उसका रिटर्न कितना आने वाला है तो दोनों चीजों का ध्यान रखना है राइट तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी राइट बोथ ऑप्शन आर करेक्ट वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे social, legal, तो उससे क्या जनरेट होता है क्या चीज न्यू जनरेट होती है आइडिया कॉम्पिटिशन बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर इन्वेंशन जब भी किसी भी एनवायरमेंट में चेंज होता है चाहे वो सोशल हो लीगल हो हेलो सुमाया राइट right, चाहे वो सोशल हो लीगल हो या फिर टेक्नोलॉजिकल ही क्यों ना हो उससे क्या क्रिएट होता है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का आंसर करेंगे आइडिया कॉम्पिटिशन बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर इन्वेंशन वेरी गुड हेलो सुमाया राइट वेरी गुड दीपो इसका करेक्ट आंसर क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या क्रिएट होती है बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है जब भी किसी भी एनवायरमेंट में अगर चेंजेस हो रहा है ना तो वो क्या लेके आ रहा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी अब ये हमारा फर्स्ट बनता है कि हम उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से कन्वर्ट करके उसको कैसे एक एंटरप्राइज में क्या करें कन्वर्ट करें राइट वेरी गुड सुमाया राइट इट्स सी गुड

राइट right? तो इस चीज को ठीक करने के लिए किस किस चीज को बनाया गया एम एस वर्ड के पैकेज को बनाया गया तो आपको क्या बताना है? किस चीज की वजह से एमएस वर्ड पैकेज को लाया गया इन्वेंशन प्रॉब्लम कॉम्पिटिशन या फिर इनोवेशन किस चीज की वजह से क्या आया हमारी हमारे पास एम एस का पैकेज आया करेक्ट आंसर क्या है इसका वेरी गुड पीपल राइट प्रॉब्लम की वजह से अगर प्रॉब्लम नहीं होती देखो अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती तो हम उसका सोल्यूशन कैसे निकालते तो किसी भी चीज के लिए अगर हम सोल्यूशन निकालेंगे तो पहले प्रॉब्लम का होना जरूरी है राइट वेरी गुड सुमाया एंड राइट स्वाति इट्स बी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन का आंसर करेंगे अब पार्ले शुड बाय वीट फॉर इट्स वाइड वराइटी ऑफ बिस्किट्स वेन द न्यू क्रॉप कम्स इन टू मार्केट आपको बताना है जो पार्ले कंपनी है उनको क्या करनी चाहिए अब तक बिस्किट्स के लिए जब नई नई क्रॉप्स कटती है ना उस टाइम पे सारी की सारी क्रॉप्स ले लेनी चाहिए परचेज कर लेनी चाहिए क्योंकि उस टाइम पे वो चीपर रेट्स में मिलती है तो आपको बताना है एनवायरमेंट की कौन से वाली इंपॉर्टेंस यहाँ पे हमें पता चल रही है टैपिंग यूजफुल रिसोर्स बेटर इमेज बिल्डिंग आंसर करेंगे कौन सी वाली इंपॉर्टेंस की पता चल रही है अपने लिए जो क्रॉप है पहले ही वीट की क्रॉप पहले ही परचेज कर लेनी चाहिए राइट वेरी गुड इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए टापिंग यूजफुल रिसोर्सिस को टाप करना चाहिए स्टार्टिंग में ही वेरी गुड दीपल स्वाति सुमाया नो इट्स नॉट डी डी नहीं आएगा ठीक है डी नहीं आएगा अगर क्लियर नहीं है तो मुझसे दोबारा से पूछ लेना ठीक है स्वाति इट्स ए यूजफुल रिसोर्सेस को टैप करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ का आंसर करेंगे अब दिस एनवायरमेंटल फैक्टर में बी दउटकम्स ऑफ इट्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कंपनीज फाइनेंशियल फिजिकल एंड अदर रिसोर्स इट्स इमेज एंड ब्रांड इक्विटी आपको बताना ये कौन से वाले इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं किस उसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही है मिशन कंपनी का मिशन है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं टॉप मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है फिजिकल हो गए और बाकी के रिसोर्स हो गए तो ये सब कंपनी के किस इन्वायरमेंट में आएगा इंटरनल एक्सटर्नल दोनों में आएगा या फिर नॉन ऑफ गब क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ का करेक्ट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ का आंसर बताएंगे इनमें से कौन से वाली चीज़ जो है वो किस में आ रही है हमारे सॉरी uh, कंपनी का फाइनेंशियल सिस्टम हो गया फिजिकल रिसोर्स हो गए या फिर हमारे आप लोग बोल सकते हो कंपनी का स्ट्रक्चर हो गया किस में आएगा ये सब इंटरनल एनवायरमेंट एक्सटर्नल एनवायरमेंट दोनों में या फिर नान ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर क्या है किस में आएगा इंटरनल एनवायरमेंट का पार्ट है किसका पार्ट है ये इंटरनल एनवायरमेंट का क्यों क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है अनकंट्रोलेबल होता है राइट करेक्ट आंसर क्या है इसका ऑप्शन नंबर ए वेरी गुड सुमाया एंड दीप चलो क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर करेंगे अब दिस इन्वायरमेंटल फैक्टर रेफर्स टू ऑल दोज फोर्सेज दैट आर अ पार्ट ऑफ लार्जस्ट सोसाइटी एंड आर अनकट्रोलेबल इन नेचर आपको बताना है ये कौन से वाला इन्वायरमेंट फैक्टर की बात यहाँ पे कर रहे हैं जो लार्ज सोसाइटी का पार्ट है और वो अनकंट्रोलेबल है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते माइक्रो एनवायरनमेंट मैक्रो एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट या फिर नन ऑफ दी अब किस पार्ट को आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते माइक्रो को मैक्रो को इंटरनल एनवायरनमेंट या फिर नन ऑफ दीज क्वेश्चन नंबर थर्टीन का करेक्ट आंसर बताएंगे एनवायरमेंटल फैक्टर जो किसमें आते हैं वो सारी फोर्सेस जो हमारी सोसाइटी के पार्ट है और वो नेचर अकॉर्डिंग अनकंट्रोलेबल होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती वो किसका पार्ट होता है वेरी गुड सुमाया एंड मैक्रो एनवायरमेंट का पार्ट होता है देखो माइक्रो और मैक्रो दोनों एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं दोनों एक्सटर्नल एनवायरमेंट का पार्ट होते हैं मैक्रो में हमारा पेटल्स आता है माइक्रो में हमारे कस्टमर्स सप्लायर्स स्टेक होल्डर्स आते हैं एंड इंटरनल इन्वायरमेंट वो होता है जो कंपनी के अंदर का इन्वायरमेंट होता है जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं राइट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी टू बिजनेस मैन फॉर बोथ इंडियन एंड फॉरिन गॉडल इज़ बींग डिस्क आपको बताना है देखो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई थी 1991 की यानी कि एल पॉलिसी जब आई थी तो वो अपने साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लेके आई थी चाहे आप इंडिया की बात करो चाहे आप फॉरेन मार्केट की बात करो दोनों मार्केट के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई थी तो पेस्टर्ल मॉडल की किस एस्पेक्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है यानी कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है वो किस इन्वायरमेंट का पार्ट है पोलिटिकल इकोनॉमिक लीगल या फिर ऑफ किसका किसका पार्ट 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 है? किसका पार्ट है है सुमाया एंड का पर भी पैसे से related बात होगी और इसमें तो साफ साफ लिखा ही है कि इकोनॉमिक पॉलिसी है राइट right? तो किसका पार्ट होगा ये इकोनॉमिक का पार्ट होगा राइट दीपल एल पॉलिसी वेरी गुड स्वाति राइट चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का आंसर करेंगे अब The from which for नहीं कर सकते. कौन से वाला ऐसा कंपनी के रिकॉर्ड से नहीं कर सकते पब्लिकेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं अपनी पब्लिकेशन करवाते ना लाइक वो बुक्स पब्लिश करवाते हैं अपना जो बैलेंस शीट है उसको पब्लिश करवाते हैं क्रिएटिव एफर्ट्स या फिर वर्बल इंफॉर्मेशन फ्रॉम कस्टमर कौन सी वाली चीज से हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी ये आपको बताना है कैन नॉट बी कलेक्टेड रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनीज पब्लिकेशन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएटिव एफर्ट्स या फिर वर्बल इंफॉर्मेशन फ्रॉम कस्टमर्स इसका करेक्ट आंसर क्या है कहाँ से नहीं मिलती है हमें इंफॉर्मेशन क्रिएटिव एफर्ट्स से देखो कंपनी के रिकॉर्ड से भी इंफॉर्मेशन मिलेगी पब्लिकेशंस ऑफ इंस्टीट्यूशन से भी इंफॉर्म मिलेगी एंड वर्बल इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स जो दे रहे हैं उससे भी इन्फॉर्म मिलेगी क्रिएटिव एफर्ट से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती इसका कोई लेना देना नहीं है राइट right? इसका कोई लेना देना नहीं है वेरी गुड सुमाइट क्या राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे आप दिस माइक्रो एनवाइ में अफेक्ट द प्रोफिटेबिलिटी रेप्यूटेशन गुडविल एंड द एक्सपेंशन प्लान ऑफ अ बिजनेस माइक्रो एन्वायरमेंट का वो पार्ट आपको बताना है जो क्या करता है बिजनेस को अफेक्ट करता है बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बिजनेस की रेप्यूटेशन को गुडविल को और बिजनेस के एक्सपेंशन को भी क्या करता है अफेक्ट करता है तो कौन से वाला इसमें से माइक्रो एनवायरमेंट का पार्ट है ये आपको बताना है सप्लायर्स इंटरमीडियरीज जर्नल पब्लिक या फिर कस्टमर्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का करेक्ट आंसर बताएंगे कौन से वाला है uh, कोई बात नहीं दीपक क्लियर हो गया ना क्लियर हो गया ना वो बेटर है कि आपको क्लियर हो गया इसका करेक्ट आंसर बताएंगे माइक्रो इनवायमेंट का पार्ट है जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेशन गुडविल और एक्सपेंशन प्लान्स को अफेक्ट करता है है <coughs> माइक्रो का पार्ट ठीक है ओके बेसिकली इसमें से बहुत सारे अफेक्ट करते हैं बट सबसे ज्यादा कौन अफेक्ट करेगा हमारे कस्टमर्स करेंगे सबसे ज्यादा कौन अफेक्ट करेगा हमारे कस्टमर्स करेंगे तो सप्लायर्स इंडिमीडेरीज ये भी हमारे माइक्रो इन्वायमेंट का ही पार्ट होते हैं तीनों हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है जनरल पब्लिक बच्चा जनरल पब्लिक हमारे मैक्रो का पार्ट हो जाएगी जनरल पब्लिक तो हमारे मैक्रो का पार्ट हो जाएगी इसके अलावा सप्लायर इंडिमिडरी और कस्टमर ये तीनों माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है और इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस को अफेक्ट करता है वो कौन करता है हमारे कस्टमर्स करता है कौन करता है हमारे कस्टमर्स करता है जनरल पब्लिक मैक्रो में सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट आ जाएगा ओके, क्लियर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर का आंसर करेंगे अब, के के साथ, खुद की हेल्प कैसे करते हैं आपको बताना है बाय ओवरकमिंग एडवर्सिटी एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर देयर बिजनेस मेकिंग नोटवर्दी डिफरेंस इन बिजनेस एंड ऑल ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का करेक्ट आंसर बताएंगे कि विजन से और क्रिएटिविटी की हेल्प से जो एंटरप्रन है वो कैसे कॉन्स्टेंटली खुद को क्या करता है uh, आप बोल सकते हो कैसे हेल्प करता है खुद को बाय ओवरकमिंग एडवर्सिटी एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर देयर बिजनेस मेकिंग नोट डिफरेंस इन देयर बिजनेस या फॉर ऑल ऑफ क्या है वेरी गुड दिपल राइट इसका करेक्ट आंसर क्या ऑल ऑफ दी सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट है एडिवर्सिटी को ओवरकम भी करते हैं देन हम लोग बिजनेस को क्या करते हैं बिजनेस के ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं जब हमारा विजन क्लियर होगा एंड जब हम लोग क्रिएटिविटी के साथ काम करेंगे एंड लास्टली एक नोट नोटवर्दी डिफरेंस बनाएंगे यानी कि जो बिजनेस की सिचुएशन पहले थी एंड आगे होगी या फिर जो कॉम्पिटिशन है मार्केट में उनसे अलग अपनी खुद की पहचान बनाएंगे राइट गुड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन का आंसर करेंगे अब दीज आर अ सेट ऑफ फोर्सेज एंड कंडीशंस विच आर एक्सटर्नल टू अ बिजनेस बट एफेक्ट द वर्किंग ऑफ अ बिजनेस आपको बताना है ये सेट ऑफ फोर्सेज होती हैं या फिर कंडीशंस होती हैं जो बिजनेस के तो एक्सटर्नल में आती है यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट में नहीं आती एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आती है बट वो बिजनेस की वर्किंग को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं तो वो किस में आएगा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिजनेस इन्वायरमेंट परसिविंग अपॉर्चुनिटी या फिर सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज किसका पार्ट है वो मैम विजन का मतलब क्या होता है बच्चा विजन का मतलब होता है कि आप कितना ज़्यादा आपने बिजनेस में आप आगे मतलब करना क्या चाहते हो वो आपका विजन होता है क्या होता है विजन वो होता है जो आप अपने फ्यूचर में जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो उसको हम लोग विज़न बोलते हैं राइट right, सुमाया किसी भी बिजनेस के लिए अगर उनका विजन ये है कि उनको इस साल ग्रो करना है उनको सेल करना है थर्टी परसेंट से इंक्रीज करना है या फिर उनको पब्लिक में अपनी अच्छी इमेज बनानी है तो ये उनका क्या है विजन है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन का करेक्ट आंसर क्या है राइट right. उसको हम लोग क्या बोलते हैं बिजनेस एनवायरमेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं बिजनेस एनवायरमेंट बोलते हैं वेरी गुड दीपल सुमाया स्वाति चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का आंसर करेंगे आप टेस्ला Incorporation is one of the leading technology company in U.S. Its primary focus was making electric cars. The company has recently diversified its interest to include energy storage through its lithium-ion battery and manufacturing of photovoltaic solar panels through a subsidiary company called Solar City. This diversification of company highlights one importance of business environment. Identify it. Tesla company, you know, यू की कंपनी है वो क्या करती है इलेक्ट्रिकल कार्स बनाती है बट उन्होंने अब क्या सोचा कि वो डाइवर्सीफाई करेंगी कैसे जो एनर्जी स्टोरेज है उसको लीदियम आयन बैटरी से क्या करेंगी कुछ ना कुछ उसके अंदर डाइवर्सिफाई चेंज करके लाएंगी एंड मैन्युफैक्चर करेगी किसको फोटोवोल्टिक सोलर पैनल्स को यानी कि सोलर एनर्जी की हेल्प से जो चल पाए तो आपको बताना है कंपनी ने ये जो तो डाइवर्सिफिकेशन सोचा है ये किस बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बता रहा है फॉमोलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी टैपिंग यूजफुल रिसोर्स बेटर परफॉर्मेंस या फिर इमेज बिल्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है फॉर्मोलेन ऑफ स्ट्रैटेजी टैपिंग यूजफुल परफॉर्मेंस यूजफुल रिसोर्स बेटर परफॉर्मेंस या फिर इमेज बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का करेक्ट आंसर क्या है वेरी गुड सुमाया राइट क्या इसका करेक्ट आंसर बेटर परफॉर्मेंस बेटर परफॉर्मेंस के लिए वो क्या कर रहे हैं चीजों को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं राइट क्या इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट वेरी गुड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का आंसर करेंगे अब ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का आंसर करेंगे द कोविड नाइनटीन वेरियंट ऑमरिकॉन सॉरी ऑमरिक्रॉन हैज सीन अर्प डिक्लाइन इन केस इन इंडिया दिस इज़ अ रीजन फॉर फैमिली प्रिपेयरिंग फॉर शॉर्ट हॉलीडे ट्रिप्स ड्यूरिंग द समर वेकेशन विच स्पेस्टल फैक्टर आर वी टॉकिंग अबाउट वैन फैमिलीज वॉन्ट टू टेक शॉर्ट ट्रिप ड्यूरिंग समर वेकेशन आपको बताना है कि कोविड नाइन्टीन के वेरियंट की वजह से अब फैमिलीज क्या कर रही है समर वेकेशन में शार्ट ट्रिप्स प्लान करनी कर रही है लॉन्ग ट्रिप्स की जगह ज़्यादा इधर उधर जाने की बजाय वो शॉर्ट ट्रिप्स प्लान कर रही हैं तो जो हमारा पेस्टल एनवायरमेंट है जो पेस्टल फैक्टर है उसमें से किस इन्वायरमेंट की बात यहाँ पर चल रही है इकोनॉमिक इकोलॉजिकल सोशल या फिर ऑल ऑफ दी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर करेंगे किस एनवायरमेंट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर क्या है फैमिलीज क्या कर रही है शॉर्ट ट्रिप्स पे जाना चाहती हैं ड्यूरिंग समर वेकेशन

कौन होता है जो क्या करता है एक एक सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देता है और क्या करता है बिजनेस को सेटअप करता है right? सेटअप करता है इकोलॉजिकल बच्चा इकोलॉजिकल में हमारा एनवायरमेंट आएगा ठीक है इकोलॉजिकल में क्या आएगा एनवायरमेंट से रिलेटेड आता है कि हमारे एनवायरमेंट को कोई नुकसान तो नहीं कर रही है बिजनेस जो बिजनेस होगी या इंडस्ट्रीज होगी वो किसी भी तरीके से अगर हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है तो वो इकोलॉजिकल में आएगा ठीक है चलो कैटेटिक एजेंट इन कन्वर्टिंग अ सिचुएशन एन अपॉर्चुनिटी एंड सेटअप बिजनेस एंड प्रोसेस वॉट आर वी टॉकिंग अबाउट किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं एंटरप्रीनोरशिप एंटरप्रनोर एंटरप्राइज या फिर ऑल ऑफ दीज ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का करेक्ट आंसर क्या है राइट सुमाया इट्स बी एंटरप्रनोर देखो यहाँ पे एजेंट की बात की हुई है ना अगर प्रोसेस होता तो हमारा एंटरप्रिनरशिप होता अगर वो प्रोसेस की बात करते तो एंटरप्रिनशिप होता बट उन्होंने एजेंट की बात करी है तो एजेंट कौन है हमारा एंटरप्रनोर राइट क्लियर है ना एंटरप्रनोर है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का करेक्ट आंसर बताएंगे अब हाउ आर एंटरप्रनोर अन टू द नेशन आपको बताना है एंटरप्रोर कैसे लाइफ लाइन है किस, किसी भी नेशन की लाइफ लाइन हम एंटरप्रिनोर को क्यों बोलते हैं बिकॉज दे इंक्रीज जी डी पी दे क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे प्रोवाइड इनोवेशन या फॉर ऑल ऑफ दी अबव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का आंसर करेंगे जल्दी से प्रोसेस भी तो है हाँ बच्चा प्रोसेस क्वेश्चन में प्रोसेस ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का करेक्ट आंसर बताएंगे पहले राइट इसका करेक्ट आंसर क्या ऑल ऑफ दिस सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट है जीडीपी को इंक्रीज करने में देखो जब भी कोई नई एंटरप्राइज खुलेगी एंटर अपना और कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर रहा है और इनोवेशन भी प्रोवाइड करवा रहा है तो ये ऑप्शन सारे सही हैं एंड इससे प्रीवियस वाले में उन्होंने एजेंट के बारे में पूछा है ठीक है किस एजेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इसीलिए इसका आंसर एंटअप हो रहा है ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में हम लोग किसकी बात करें एजेंट की बात करें कैटेलिटिक एजेंट इन कन्वर्टिंग अ सिचुएशन इनटू एन अपॉर्चुनिटी सिचुएशन को जो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दे एंड सेटअप अ बिजनेस इन द प्रोसेस और बिजनेस को प्रोसेस में लाना शुरू कर दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं वो एजेंट कौन होता है तो एजेंट कौन होता है हमारा एंटरप्रनोर और वो जो प्रोसेस चलता है वो होता है एंटरप्राइज एंटरप्रनोरशिप एंड फाइनली जो आउटकम आता है वो क्या होता है हमारा एंटरप्राइज जो आउटकम आता है वो क्या होता है हमारा एंटरप्राइज होता है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री का आंसर करेंगे आप यू आर पॉस्ड इन अ सोडा आइसिल एट द ग्रोसरी स्टोर ऑन योर वे इन टू वर्क इन सर्च ऑफ योर मॉर्निंग लैटिन कोक वर्सेज पेप्सी डांड डोनट्स वर्सेज स्टार बक्स विच ब्रांड डू यू चूज फॉर यू इट्स अ स्प्लिट ऑफ हैबिट एंड ब्रांड मार्केटिंग

ये वाली जो चीज़ है हम लोगों के लिए तो ये मिनट्स का सेकंड्स का डिसीजन होता है कि भाई ये नहीं है तो ये दे दो ये नहीं है तो ये दे दो मेरी अपनी चॉइस होती है लेकिन जो कंपनीज होती है उनके लिए क्या होता है ऑब्सेशन होता है तो आपको बताना यहाँ पे किस सोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं किस बेसिक आइडिया के सोर्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रॉब्लम चेंज इनोवेशन या फिर कॉम्पिटिशन कहाँ से कंपनीज को आइडियाज आता है इसका आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का करेक्ट आंसर क्या है वेरी गुड डीपल स्वाति वेरी गुड बच्चा कॉम्पिटिशन जहां पर बात हो रही है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज की इंडस्ट्री सेम है है बट वो क्या कॉम्पिटिटर्स है? हैं एक दूसरे के प्रोडक्ट से अच्छा प्रोडक्ट कैसे हम लोग लेकर आ सकते हैं तो ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कॉम्पिटिशन कितना कट आउट है राइट वेरी गुड राइट डीपल चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर्थ आंसर बताएंगे अब लूमर अ टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज यूज फॉर आपको बताना लूम्बर क्या है टाइप का नेचुरल रिसोर्स है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है फर्नीचर के लिए क्राफ्ट आइडियाज के लिए वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स या फॉर ऑल ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर्थ का आंसर बताएंगे अच्छा मैं बता दू लूबर क्या है वुड लूम्बर क्या है काइंड ऑफ वुड है तो आपको बताना है ये किस चीज के लिए यूज की जा सकती है फर्नीचर क्राफ्ट आइडियाज वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स या फॉर ऑल ऑफ दब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर्थ का करेक्ट आंसर बताएंगे राइट दीपल राइवलरी है इंडस्ट्रीज के बीच में क्या कट टू कट कंपटीशन चल रहा है राइवलरी चल रही है तो वो कंपटीशन की वजह से नया नया आइडियाज लेकर आते, है, ले आते हैं नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं राइट चलो क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर क्या है वेरी गुड स्वाति राइट इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑल ऑफ दी सारे हमारे बिल्कुल करेक्ट है फर्नीचर के लिए क्राफ्ट बेस्ड आइडियाज हो गए आपके या फिर वुड बेस्ड प्रोडक्ट हो गए हर चीज में आप लोग लूम्बा वुड का यूज कर सकते हैं राइट right? हेलो विवेक राइट इट्स डी क्वेश्चन कहेंगे ब्लड स्ट्रीम एज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉब्लम फेस बाय डॉक्टर्स एंड इंजेक्टिंग मेडिसन थ्रू अर सर फ्रॉम द फॉलोइंग आईडेंटिफाई द आईडिया फील्ड यूज बाय डॉक्टर्स टू डेवलप मेडिकल डिवाइस आपको बताना यहाँ पे कौन सा वाला आइडिया फील्ड यूज किया है डॉक्टर आपने देखा होगा जनरली जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको डॉक्टर्स को अगर मेडिसिन देनी होती है तो वो सिरिंज के थ्रू देते हैं बट अगर एक मशीन को इम्प्लांट कर देंगे बॉडी में जिसमें कॉन्स्टेंटली अपने अकॉर्डिंग क्या होता रहेगा मेडिसिन आपकी ब्लड स्ट्रीम में डिस्चार्ज होती जाएगी तो ये कौन से वाला आइडिया फील्ड है डॉक्टर्स को जो हेल्प करने वाला है वो आपको बताना है क्रिएटिव एफर्ट्स <laughs> ट्रेडिंग रिलेटेड मार्केट ड्राइवन या फिर नेचुरल रिसोर्सेज हेलो विवेक कैसे हो आप चलो क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर वेरी गुड राइट क्या है ट्रेडिंग का भी नहीं है मार्केट ड्राइविंग भी है नहीं है और नेचुरल रिसोर्सेज तो बिल्कुल नहीं है क्या क्रिएटिव आइडिया राइट वेरी गुड दीपल एंड सुमाया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का आंसर करेंगे RIA has started her own YouTube channel, Riya Super Dance moves two years back, show showcasing a variety of dance forms from different states. Her variety of dance forms are often trending on the internet due to its simplicity and appearing to all age groups. Before uploading her video, she prefers to go through many leading publications, books, websites, and magazines to learn about various dance forms. Out of the following, spot the trend which she uses. ओके मिस्टर एलियन राइट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का आंसर करेंगे अब आपको बताना है जो रिया है वो क्या करती है उनका खुद का यूट्यूब चैनल है एंड वो डांस परफॉर्म करती है तो उस डांस को की वीडियो को अपलोड करने से पहले वो क्या करती है बेसिक आइडिया लेने के लिए वो डिफरेंट पब्लिकेशंस को देखती है बुक्स पढ़ती हैं वेबसाइट्स को सर्च करती है मैगजीन्स को सर्च करती हैं तो ये जो आइडिया उनको मिलता है ये आइडिया कौन से वाले ट्रेंड में आएगा रीड ट्रेंड वॉच ट्रेंड टॉक ट्रेंड या फिर थिंक ट्रेंड कौन से वाले आइडिया से उनको आइडियाज आ रहा है वेरी गुड दीपल एंड सुमाया नॉट वॉच ट्रेंड बच्चा रीड ट्रेंड देखो किस चीज की बात हो रही है बुक्स पब्लिकेशंस वेबसाइट्स और मैगजीन्स उन सबको हम लोग पढ़ते हैं ना तो वो रीड ट्रेंड का पार्ट है वॉच ट्रेंड में आपके शोज आ सकते हैं ठीक है जो आप कहीं पर जा रहे हो पर्टिकुलर प्लेस पर जा रहे हो और फिर आपको आइडिया मिल रहा है ना उस चीज को देखने के बाद तो वो वॉच ट्रेंड का पार्ट होगा ठीक right? है इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए रीड ट्रेंड राइट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन का आंसर करेंगे अब ट्रेड शोज एंड मॉल विजिट्स आर गुड एग्जांपल्स ऑफ दिस ट्रेंड चलो बताओ ट्रेड शो हो गए या फिर आप लोग मॉल में गए और वहां जाके आपको आइडिया आया तो ये किस टाइप का ट्रेंड होगा कौन से वाले ट्रेंड से आपको आइडिया आया होगा रीड ट्रेंड टॉक ट्रेंड वॉच ट्रेंड या फिर थिंक ट्रेंड क्वेश्चन नंबर 27 सेवन का करेक्ट आंसर बताएंगे राइट विवेक इट्स ए आप क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएंगे ट्रेड शोज एंड मॉल विजिट्स आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ दिस ट्रेंड रीड ट्रेंड टॉक ट्रेंड वॉच ट्रेंड या फिर थिंक ट्रेंड आप लोग मॉल्स में गए आप लोगों ने ट्रेड शोज देखे डिफरेंट डिफरेंट शोज बेसिकली आपने देखे तो वो कौन से वाले आइडिया फील्ड से आपको आइडिया आने वाला है वेरी गुड सुमाया राइट किससे आइडिया आया उनको वॉच ट्रेंड ध्यान रखना जितने भी ट्रेड शोज हो गए मॉल विजिट्स हो गए या फिर आप कहीं पर्टिकुलर जा रहे हो एंड देन वहाँ से आपको आइडिया आ रहा है तो वो वॉच ट्रेंड का पार्ट होगा ठीक है राइट right, विवेक इट्स सी वॉच ट्रेंड गुड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का आंसर करेंगे ब्रिटानिया ब्रेड इज कॉन्स्टेंटली ब्रिंगिंग आउट न्यू वेरियंट्स लाइक आटा ब्रेड मल्टीग्रेन ब्रेड गार्लिक ब्रेड एक्सेट्रा दिस एक्सपैंडिंग एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्ट लाइन स्टेट द आइडिया फील्ड बींग डिस्क आपको बताना है ब्रिटानिया ब्रेड क्या ब्रिटानिया ब्रेड क्या कर रहा है वो अपने नए नए वेरियंट्स लेकर आ रहा है लाइक आटा ब्रेड मल्टीग्रेन ब्रेड हो गया गार्लिक ब्रेड हो गया देन वो क्या कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट लाइन को इम्प्रूव कर रहे हैं अलग अलग वेराइटीज ऑफ ब्रेड्स लेके आने के बाद तो आपको बताना है कौन से वाला आइडिया फील्ड के बारे में यहाँ पे डिस्कशन दिस डिस्कशन चल रहा है मार्केट और डिमांड ड्राइव इन आइडिया नेचुरल रिसोर्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज या फिर ट्रेडिंग रिलेटेड आइडियाज कौन से वाले आइडियाज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का आंसर कहेंगे नो इट्स नॉट रिलायंस ट्रेंड विवेक क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या है? वेरी गुड राइट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज जब आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज को इम्प्रूव करके बनाते हो और अच्छा बनाते हो उसकी वेराइटीज लेकर आते हो तो किसका पार्ट होगा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज का पार्ट होगा वेरी गुड स्वाति दीपल विवेक राइट नो स्वाति नॉट ए ए नहीं है चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का आंसर करेंगे आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड सेक्टर अपॉर्चुनिटी फूड सेक्टर अपॉर्चुनिटी नहीं है कौन से वाली आपको बताना है आइसक्रीम एंड जूस पार्लर्स इंडियन फास्ट फूड इनक्रेडिबल इंडिया या फिर सैंडविच एंड सैलड पार्लर्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन्थ का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का आंसर करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड सेक्टर अपॉर्चुनिटी फूड सेक्टर अपॉर्चुनिटी कौन से वाली नहीं है इनमें से आइसक्रीम एंड जूस पार्लर्स इंडियन फास्ट फूड इनक्रेडिबल इंडिया सैंडविच एंड सैलड पार्लर्स वी कौन से वाला ऑप्शन है दीपल राइट वेरी गुड क्या इसका करेक्ट आंसर राइट दीपल स्वाति विवेक राइट इट्स सी इनक्रेडिबल इंडिया फूड आइटम्स uh, में नहीं आता फूड सेक्टर में नहीं आता राइट वेरी गुड आइसक्रीम भी आएगा इंडियन फास्ट फूड भी आएगा और सैंडविच एंड सैलड पार्लर्स भी आएगा राइट वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी एट का आंसर करेंगे गुड क्वेश्चन नंबर थर्टी एट का आंसर करेंगे विभू वॉन्ट्स टू टारगेट कस्टमर्स हुर एलर्जिक टू ग्लूटन विभो क्या करना चाहता है वो उन कस्टमर्स को टारगेट करना चाहता है जिनको ग्लूटन से एलर्जी है ठीक है वो एक ऐसे ग्लूटन फ्री आटा इंट्रोड्यूस करना चाहता है ऐसा आटा बनाना चाहते हैं जिसमें ग्लूटन नहीं होगा फॉर दिस ही डज एन एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मार्केट रिसर्च भी करते हैं आइडेंटिफाई द आइडिया फील्ड विभू इज़ यूजिंग तो यहाँ पर विभू कौन से वाला आइडिया फील्ड यूज़ कर रहे ये आपको बताना है ठीक है अच्छा सी के बदले वी टाइप हो गया कोई बात नहीं इट्स ओके okay. होता है होता है चलो बताओ यहाँ पे कौन से मेरा आइडिया फील जो है वो विभू यूज कर रहे हैं सर्विस सेक्टर मार्केट ड्राइव इन आइडियाज ट्रेडिंग रिलेटेड नेचुरल रिसोर्सेज थैंक यू सो मच विवेक ओके इस क्वेश्चन का आंसर कहेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी एट का ओके okay, आप सबने लंच कर लिया बच्चा जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं अभी सबने लंच कर लिया मार्केट ड्राइव इन डिमांड ड्राइव इन आइडिया राइट गुड इसका करेक्ट आंसर क्या है वेरी गुड सुमाया एंड दीपल राइट मार्केट ड्राइविन और डिमांड ड्राइव आइडिया राइट right. उसको आइडिया कैसे आया कि वो ग्लूटेन फ्री वो लेके आएगा क्या लेके आएगा ग्लूटेन फ्री आटा बनाएगा ये मार्केट के डिमांड है राइट ओके सुमाय ने नहीं किया स्वाति ने भी नहीं किया अच्छा क्लासेस देख रहे हो तब से ओके okay, विवेक ने कर लिया गुड कोई बात नहीं क्लास के बाद कर लेना ठीक है करेक्ट आंसर क्या है इसका बी ऑप्शन है ठीक है मार्केट ड्राइवन और डिमांड ड्राइवन आइडिया क्वेश्चन नंबर थर्टी फिस्ट का आंसर करेंगे अब हाँ कोई बात नहीं इस क्लास के बाद कर लेना ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी फर्स्ट का आंसर कहेंगे डैश इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट सर्विस और इंटरेस्ट दैट अपील टू अ स्मॉल स्पेशलाइज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन आपको बताना है वो प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो एक बहुत छोटे से स्मॉल सेक्शन को अपील करती है या फिर स्पेशलाइज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन उसको हम लोग क्या बोलते हैं नीस ब्लॉगर्स नीस रिच साइट समरी या फिर नॉन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर थर्टी का करेक्ट आंसर कहेंगे ओके विवेक वेरी गुड आपने लंच कर लिया गुड कोई नहीं बाकी सब बच्चे क्लास के बाद कर लेना ठीक है आई थिंक थोड़े से क्वेश्चन आ रहे हैं उसके बाद कर लेना आप सब को क्या बोलते हम मैम ये सारे क्वेश्चन बीएसटी के एंड अपना नॉर चैप्टर से हैं ओके okay, दिव्या आपको लग रहा है बहुत अच्छी बात है बच्चा वो ना बहुत छोटा सा पोर्शन है जो आपके बिजनेस स्टडीज में और यहाँ पर एंड ऑफ नॉर पूरा का पूरा सब्जेक्ट है ठीक है इसका करेक्ट आंसर बताएंगे उसको क्या बोलते हम निश ब्लॉगर्स नहीं बच्चा सिर्फ निश 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 मार्केटिंग बोल सकते हो आप बहुत छोटा जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं लाइक अगर कोई पर्सन सेलेक्ट करे कि उसको गार्मेंट्स की शॉप खोलनी है ठीक है गार्मेंट्स का शॉप खोलना और उसमें भी उसने क्या किया बहुत ज्यादा स्पेसिफिक लेकर गया वो और कम क्या किया उसने कि उसको छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स होते हैं सिर्फ वो उसके कपड़े बनाएगा सिर्फ उनके कपड़े बनाएगा तो वो नीच मार्केटिंग का पार्ट है किसका पार्ट है नीच मार्केटिंग का पार्ट है राइट इट्स बी ब्लॉगर्स नहीं नीच आएगा इसका करेक्ट आंसर ठीक है बी ऑप्शन राइट है ओके थर्टी वन क्वेश्चन ही थे ओके गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग थर्टी वन क्वेश्चन है जल्दी से बताओ राइट वेक राइट नीच मार्केट क्या होता है बहुत छोटा सा पोर्शन होता है जो भी आप कोई भी गुड या फिर कोई भी सर्विस अगर सेलेक्ट करते हो तो उसमें बिल्कुल स्मॉल सबसेट जब जाते हो ना उसको हम नीच मार्केटिंग बोलते हैं ठीक है थेके? हाँ एक पर्टिकुलर चीज़ पे आप फोकस करते हो तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मुझे बताओ पहले तो थर्टी वन में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट आए ईपीएस के कंसेप्ट नहीं कराओगे uh, दीपक अभी ना आज वाली जो पीपीटी थी उसमें कंसेप्ट नहीं थे बट कल से हम लोग ना उसके साथ कंसेप्ट करेंगे जो आपके एम होंगे ना उसके साथ कंसेप्ट भी रीड करेंगे हाँ प्रॉपर चैप्टर वाइज जैसे बिजनेस में किया था वो शायद नहीं करेंगे बट एम के साथ कंसेप्ट क्लियर करेंगे ठीक है

लर्न करो लाइव लर्निंग ऐप के ऊपर तो इसको भी डाउनलोड कर लेना न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है टेंथ ऑफ मार्च से अगर आप लोग को परचेज करना है तो आप लोग परचेज कर सकते हो पढ़ सकते हो ओवरऑल तीनों सेक्शन उसमें कवर करवाए जाएंगे राइट हाँ सुमाया आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होगा वो भी लेकर आएंगे ठीक है दोन वारी वो भी लेकर आएंगे ओके थैंक यू सो मच टेक केयर बाय अब लंच कर लेना सब ओके सब, okay?